नमस्कार, आपका सबका स्वागत है। आज हम यहाँ सेक्रेटरीट गेट के सामने खड़े हैं और हमारे साथ जो है मिस्टर अंशुमन रॉय और मिस्टर महेश्वर राव जी जुड़े हुए हैं। कल आपने न्यूज स्टोरी के जरिए देखा होगा किस तरह से जो ग्रुप सी मैट्रिक लेवल पोस्ट का रिक्रूटमेंट हुआ है, उसमें जो फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट एक अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिश किया है, उसके बाद जो है अंडमान निकोबार में जितने भी कैंडिडेट्स उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें से कई कैंडिडेट्स को कई सारे डाउट जो है वो अराइज हुए और पूरा सोशल मीडिया जो है डाउट से फ्लड हो गया था। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे कैंडिडेट्स का नाम को फ्लैग करके लोग जो है लिख रहे थे कि इसका रिक्रूटमेंट कैसा हुआ है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट था, जिसको लेकर मिस्टर महेश्वर राव और मिस्टर अंशुमन रॉय के साथ और भी सोशल वर्कर कल यहाँ पे पहुँचे थे कैंडिडेट्स के साथ और उन्होंने हायर अथॉरिटी से बात किया कि इन सब चीज़ों को जो है क्लियर करना चाहिए ताकि एस्टैब्लिश हो सके कि जो भी रिक्रूटमेंट हुआ था वो फ्री एंड फेयर हुआ था। और आज भी ये लोग जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरीट गेट के सामने खड़े हैं। हमने देखा कि इनके साथ कई सारे कैंडिडेट्स भी यहाँ पर मौजूद थे, तो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे थे तो आज यहाँ पर क्या हुआ, कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर आए थे और क्या उन्होंने यहाँ पर लेटर सबमिट किया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अपने क्वेरीज को क्लियर करने के लिए? जी बिल्कुल, आज कल का जो मतलब हम लोग कार्रवाई किए थे उसको देखते हुए, इंटरव्यू को देखते हुए काफ़ी कॉल्स मुझे और महेश भाई को सुबह से आ रहा था, तो हमने ही कहा था कि ठीक है। कल वैसे भी हम लोग बात करके आए थे कि अगर कोई ऐसा जेन्युइन इशू हमें लगता है तो हम लोग डायरेक्ट लेके आए और उनको जो है फेस टू फेस बैठा के उनका क्वेरीज का जो है आंसर जो है दिलवा सके, तो आज उनको हम लोग यहाँ बुलाए थे और धीरे धीरे ऐसा करके सबको पता चला, शायद करीब करीब यहाँ में 60-70 कैंडिडेट्स यहाँ पे आ गए थे, तो सबको तो लेके नहीं जा सकते थे पर कुछ को हम लोग लेके गए। लेके जाके जो है जो कॉमन क्वेश्चंस हर तरफ से आ रहा है मार्क्स को लेके कि मेरा मार्क्स ज़्यादा है, उनका मार्क्स कम है, उनको मिल गया है, हाँ हम लोग सेम कैटेगरी के भी हैं तो ऐसा कैसा होगा, तो उसका जो सॉल्यूशन हमें एक ही चीज़ लगा कि महेश भाई के तरफ से भी ये सॉल्यूशन आया है कि इसको जो है कल सीएस साहब आ रहे हैं उनके साथ में बैठ के इनको जो है पब्लिकली पब्लिश करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम लोग एक सजेशन रखे हैं उनके सामने, तो उन्होंने भी कहा हाँ हम भी बात करेंगे क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंसी मोड में आएगा कि वाकई में उनको क्यों लिया गया है और जिनको नहीं लिया गया है किस कारण नहीं लिया गया है। तो ये चीज अब आज जो है हमें क्लियर हुआ है कि ये जो है पब्लिकली पब्लिक पब्लिश करेंगे मार्क्स के साथ में, हर एक कैटेगरी वाइज, हर एक आपका सब्जेक्ट वाइज जो है ये करेंगे। और रही बात जनरल कैटेगरी की कि देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स में है कि जनरल कैटेगरी के जो लड़ाई है, जनरल कैटेगरी के लिए जो भी प्रावधान रखा गया है उसी को मानते हुए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं बाहर से जब लोग बोलते हैं, आज जैसे लोग आए थे तो उनका कुछ कुछ इश्यूज ऐसा लगा कि हाँ नेग्लिजेंसीज तो कहीं ना कहीं से है जो कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं चल रहा है या फिर पता करने का कोशिश नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़ को हम हाईलाइट करेंगे आगे जाते जाते, हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंसेस आया हुआ है तो ये चीज़ को पहले हम लोग एक बात एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं, उनका तरफ से जो रवैया रहेगा, जो मोड ऑफ टॉक रहेगा उनके तरफ से, वो हिसाब से हम लोग अपना काम शुरू करेंगे या फिर आगे और कितना बेटर हमारे यूथ्स को जवाब हम दे सकते हैं वो काम तो हम लोग जरूर करेंगे। तो महेश्वर राव जी आपसे सवाल है कि ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कई लोगों ने सवाल उठाया है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी सारा जो सवाल जो है आ रहा है, उनका काफ़ी सारा डाउट्स है जो अब तक क्लियर नहीं हो पाया। 12 तारीख को आपने देखा होगा कि रोजगार मेला जो है उसके बारे में आज डेली टेलीग्राफ्स में भी आया, साथ ही साथ कल प्रेस रिलीज भी दिया गया, तो 12 तारीख जो है काफ़ी नज़दीक है और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसका जो एंड रिजल्ट है यानी कि जो उनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा वो जो है 12 तारीख को रोजगार मेला में नेताजी स्टेडियम में जो है दे दिया जाएगा, तो कई कैंडिडेट्स हमारे न्यूज़ के कमेंट सेक्शन में भी ये कमेंट कर रहे हैं कि स्टे ले लेना चाहिए और कई लोगों ने मेरे को फ़ोन भी किया है कि जो है इसमें स्टे लेने सबसे बेस्ट है और उन्होंने जो है मुझसे आप लोगों का नंबर भी मांगा क्योंकि आप लोग यहाँ पर थे ताकि वो आप लोगों को अप्रोच कर सके स्टे लेने के लिए। इसके ऊपर पूरा आपका
क्या कहना है ये स्टे लेने के उनके सजेशन के ऊपर, और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि कई कैंडिडेट जो है वो हार्ट ब्रोकन हो जाएंगे, वो जो है डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि रोजगार मेला 12 तारीख को है, काफी नजदीक है, और वो जो डाउट्स रेज कर रहे हैं अगर वो तब तक सॉल्व नहीं हुआ तो उनको काफी जो है खराब फील होगा, क्योंकि उन्होंने भी काफी मेहनत किया होगा इन एग्जाम में। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन एक ही है, विद इन 2 डेज, विद इन, अभी इनके पास 1-2 दिन आज और कल है, हर एक कैटेगरी वाइज, जैसा फिशरीज का हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री का हो गया, और हमारे जो मजदूर का हो गया, DSS को हो गया, हर एक कैटेगरी के जितना आदमी जो ट्रेड ट्रस्ट में पार्टिसिपेट करा सबका लिस्ट डाल, मेरिट लिस्ट डाल दीजिए, क्योंकि इजिली आपको समझ, 2 दिन में लोग देख लेगा, और उनको लगता है कि 4 नंबर मार्क्स वाला क्वालिफाइड है, 2 नंबर मार्क्स का क्वालिफाइड है, लोग साइलेंट हो जाएगा, नहीं होगा। अगर इस तरह का अगर छुपा के हम अंदर अंदर रखेंगे, अगर लिस्ट बाहर नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर हम नहीं रोक रहे, हम अगर चाहे नहीं चाहने से भी मतलब स्टे पच्चे तो कोई ना कोई रुकू बन के तो जाएगा ही है, क्योंकि उनका एग्रेसिव मूड में है लोग। मैंने वही कहा ना कि 1 नंबर से 39,000 तक, 39,000 वाला का भी नाम आया है, तो 38,000 वाला सोचता होगा मेरा नाम क्यों नहीं आया, अरे मेरा नाम क्यों नहीं आया, तो ये एक एग्रेसिव मूड चल रहा है। और 1685 फोर्स को निकाला और 200 समथिंग पोस्ट को मतलब वो क्वालिफाइड नहीं हो बोला, ऐसा कर दिए, तो ऐसा मतलब कौन सा 2 नंबर वाला को देता है, तो 1 नंबर का भी दे देना था, फिर ऐसे आप आके जनरल कैटेगरी में आके आप उसको भी 10 नंबर 12 नंबर उनको भी दे देना था, तो ऐसा कौन सा पॉलिसी बना दिया, ऐसा कौन सा अंदर में गाइडलाइन बना दिया आप लोग कि इमिडिएटली इसको मतलब कि कुछ लोगों को देना और कुछ पोस्ट को अबॉलिश कर देना, और कुछ पोस्ट को मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ, अब 2 नंबर को यहाँ पोस्ट भी नौकरी भी दे रहा है और बोल रहा है कि 250 पोस्ट फिल भी नहीं कर पाया हम, तो यही ऐसा कैसा गाइडलाइन अंदर बन गया, तो इसको पर क्लैरिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को विद इन 2 डेज, अभी CS साहब भी नहीं है, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो हम 2-3 विभाग में मिले, उन लोग का कहना यही है कि जिसका जो डाउट है वो आप चिट्ठी लिख के दीजिए, चिट्ठी कितना चिट्ठी लिखेगा, तो मुझे लगता है कि हर एक जैसा हर एक सेक्टर का मेरिट लिस्ट, अगर अगर लाइनमैन के लिए अगर 200 आदमी पार्टिसिपेट किया है तो 200 आदमी को कितना कितना मार्क्स मिला, उसको एग्जाम में कितना मार्क्स मिला है, ट्रेड टेस्ट में कितना मार्क्स मिला है, स्किल में कितना मार्क्स मिला, उसका सर्टिफिकेट के बेस में कितना सर्टिफिकेट मिला है, अगर उनको लगता है वो भी मेंशन कर दो कि ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करा है, प्राइवेट का एक्सपीरियंस करा है, या तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का टिक करो, प्राइवेट है तो प्राइवेट का टिक करो। कई बच्चे बोल रहे हैं कि किसी किसी का सर्टिफिकेट तो फेक सर्टिफिकेट लाया गया, फॉर एग्जांपल कारपेंटर का, बच्चे 7-7 साल से मरीन में 7-7 साल से कारपेंटर का काम कर, वहाँ EPF कट रहा है, बट यहाँ पे जो प्राइवेट का सर्टिफिकेट लगा कि उनको जॉब मिला गया, तो वो भी मेंशन कर दो कि हाँ प्राइवेट सर्टिफिकेट दिया गया, इसलिए दिया गया उनका मेरिट में अच्छा नंबर था और उनका जो ट्रेड टेस्ट में अच्छा नंबर था, कहीं ना कहीं में टोटल ट्रेड नहीं था जो भी है, फॉर एग्जांपल जो भी है, तो इस हिसाब से क्या हिसाब से दिए, हर एक इसका अभी जो टोटल 30 से 40 जो वैरायटी ऑफ पोस्ट निकाला है, हर एक जो सेक्टर का आप मेरिट लिस्ट निकालिए, ये तो सबसे बड़ा है। और ये जो रोजगार मेला बात जो 12 तारीख को है, मुझे लगता है कि 4,000 कुछ बच्चे को शायद रोजगार, मुझे इतना आइडिया नहीं देखा नहीं देने का बात था, कल परसों तक पेपर में आता था, आज का पेपर में तो कहीं मेंशन ही नहीं करा कि 4,000 बच्चों को हम दे रहा करके, तो इसका सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी सोच रहा है कि ये 1600 पोस्ट को रोजगार मेला में देना और नहीं देना, वो लोग सोच में आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे में कन्फ्यूज आ गया है, एक बच्चे दो बच्चे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, 40,000 बच्चा जो 44,000 लोग एग्जाम लिखा बोल रहे हैं, वो 3-4 हज़ार को छोड़ दीजिए, 40,000 जो 39,000 तक बच्चे सब कन्फ्यूज में कि मेरा कुछ भी जॉब नहीं मिला। सर और एक क्वेश्चन ये भी उठता है, कल भी मैंने आपके सामने उठाया था, हम लोग ज्यादातर सोचते हैं साउथ अंडमान के संदर्भ में, कई बच्चे होंगे निकोबार में, कई बच्चे होंगे हटबे में, कई बच्चे होंगे कैम्बल बे में, कई बच्चे डिगलीपुर में होंगे, मायाबंदर में होंगे, यहाँ तक पहुंच नहीं सकेंगे। लेटर 2 का मतलब जब ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन बोल देता है, अभी ऑफिशियली उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने आप लोगों के थ्रू बताया, जो मीडिया में हमने बताया, लेटर दे दो बोला है, तो लेटर वहाँ के बच्चे कैसा देंगे, उनको इंतजाम करना होगा कि वहाँ पे AC ऑफिस में दे सकते हैं, DC ऑफिस में दे सकते हैं, वो लोग का जिम्मेदारी बनेगा कि यहाँ पर लेटर पहुँचाए, अगर लेटर दे दो बोलेंगे वो बच्चे यहाँ पर किस तरह से लेटर लेके आएंगे, तो ये सब भी एक मतलब पूरा कन्फ्यूजन है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि ये रिक्रूटमेंट फ्री एंड फेयर है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप सामने आइए, अपना जो भी वो सबमिट करिए, हम 1 दिन में 2 दिन में 5 दिन में आपको आंसर देंगे। और ये भी साथ में कंफर्म करना चाहिए, अगर आपका पॉइंट जो है सही पाया जाता है तो जो फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट है उसमें भी चेंजेस करेंगे, तो ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेशन को खुल के सामने आना चाहिए, प्रेस रिलीज देना चाहिए, या बच्चों को जो है मीडिया के जरिए सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल सामने और बताना चाहिए, अगर नहीं बताएंगे तो बच्चों में ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए बात यह है कि इनका हर एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो,
या कोई भी प्रोसेस हो, इनके लिए आरआर बनता है। लेकिन इनका खुद का जो रवैया रहता है हमारे आइलैंडर्स के प्रति, या फिर आइलैंडर्स को जागरूक करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना, उसके लिए इनका कोई सॉलिड या कंस्ट्रक्टिव वे नहीं रहता है। या तो साउथ अंडमान में जो रहते हैं उनको पता चलता है, इंटर आइलैंडर्स को पता नहीं चलता है, या फिर किसी को भी पता नहीं चलता है, ये कुछ ना कुछ हो जाता है, और अगर पता भी चलता है तो हाफ इन्फॉर्मेशन आता है। तो देखिए ये सरासर जो है नेग्लिजेंसी है, और इंटरेस्ट नहीं लेने का साइंस है ये, कि वो दे आर लीस्ट बॉदर्ड। तो अगर वो बॉदर भी करता है तो उनका जो रवैया और उनका जो अल्टीमेट हरकत रहता है, एक्शंस रहता है, उसी से लगता है कि उन लोग हमारा परवाह ज्यादा नहीं करते हैं। उन लोग बस रिपोर्टिंग करने के लिए एक प्रोसेस का पालन करते हैं, ऑन डॉक्यूमेंट रहे बस है, बाकी हम लोग देख लेंगे। क्योंकि यहाँ में तो बेचारे आइलैंडर्स लोग बहुत ही तकलीफ में रहते हैं, हर एक चीज में रहते हैं। ये कभी रिक्रूटमेंट चल रहा है एक होप जगा के, जो है लोगों के साथ में या फिर यूथ्स के साथ में जो इमोशन के साथ में खेलना या खेलने का कोशिश करना, या ऐसा सीन क्रिएट करना कि उन लोग समझ रहे हैं कि हमारा मजाक बनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ में और सीरियस तौर पर जो है इसको एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी जो है सामने आए, इसको एक्सप्लेन करें, और अगर आपसे नेग्लिजेंसी भी हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं खामी है, आप प्लीज उसको रेक्टिफाई करिए, तुरंत से तुरंत करिए, उसको ढकने का कोशिश मत करिए। हम भी मानते हैं कि इतना बड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप लोगों तरफ से भी खामियां हो सकता है, हम मानते हैं। छोटा सा सेल है, हाँ। छोटा सा, मुझे लगता है कि 10-15 लोग बैठ के इतना बड़ा सेल को संभाल रहा है, 40,000-50,000 लोगों का रिक्रूटमेंट का। तो मुझे ये भी पता चला कि हर एक सेक्टर का मेरिट लिस्ट ही नहीं बोलता उनका, बस सिलेक्टेड कैंड की लिस्ट ही है बोलता है। वो मेरिट थी, वो हर एक सेक्टर का 200 बच्चे अगर पार्टिसिपेट किया करे, वो 200 बच्चे का लिस्ट कैलकुलेट करके मैट्रिक, मुझे पता चला कि ऐसा कोई मैट्रिक्स है बोलता कि वो सिलेक्टेड लिस्ट ही आएगा। तो मेरा कहना मतलब कि सिलेक्टेड लिस्ट क्यों आएगा? आप 10 बच्चे सेलेक्ट किया, अगर ये पोस्ट में 10 ही बच्चे हैं, 5 जनरल, 5 ओबीसी, अगर 2-4 एसटी, 13 पोस्ट है, तो 13 बच्चे सेलेक्ट किए, वो 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18 जैसे 50 लोग कर रहे हैं, तो 50 आदमी को कितना मार्क्स मिला बता दीजिए ना, छुपाने का क्या मतलब? तो यही पूरा जो कैंडिडेट्स का जो प्रॉब्लम है उनको लेकर जो है महेश्वर राव जी और मिस्टर अंशुमन रॉय आज भी यहाँ पर पहुँचे। इनका एक ही कहना है कि जो भी चीज़ हो ट्रांसपेरेंट हो, बच्चों को जो भी इश्यूज है वो बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा सके, और एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर जो है क्लैरिफिकेशन दे, और ये क्लैरिफिकेशन इस तरह से दे कि जो पब्लिक है उसको भी भरोसा हो जाए कि जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर है, पूरा रिक्रूटमेंट किस तरह से हुआ है वो एक्सप्लेन कर दिया जाए। क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट है, और काफ़ी बच्चों का इससे जो है सपना जुड़ा हुआ है, काफ़ी बच्चों का ज़िंदगी इसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। काफ़ी बच्चे जो है सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, और अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको काफ़ी सारा डाउट्स जो आता है वो डाउट्स को क्लियर, जी डाउट्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गवर्नमेंट सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, तो बाकायदा जो है पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को। हर एक कैंडिडेट जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए अंटिल देयर सेटिस्फैक्शन, ताकि सबको लगे कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है फ्री एंड फेयर है, और इसमें किसी भी तरह की धांधली जो है वो नहीं हुई है। धन्यवाद।